नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। 13 फरवरी 2019 सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश क्या प्रभाव देगा कन्या राशि वालों के जीवन में, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य के बिना सृष्टि का चल पाना असंभव है। सूर्य पिता है, सूर्य का आशीर्वाद हो तो सफलता खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। ऐसे ही महान देव ग्रहों के राजा 13 फरवरी को अपने पुत्र की राशि को छोड़कर अपने दूसरे पुत्र की राशि यानी शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि के जातक जातिकाओं के जीवन पर इस परिवर्तन का क्या असर होगा, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और आप सभी उन नए दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने हमें अभी अभी देखना शुरू किया है। आप सभी नवीन दर्शक और पुराने दर्शकों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, यानी कन्या राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि को शनि की ढया पहले से चल रही है। आप अपने सभी प्रतिद्वंदियों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके पराक्रम शौर्य के आगे आपका बुरा या अहित चाहने वाले टिक नहीं पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपको कोई भी ऐसा नया रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जिससे आपके वैवाहिक जीवन में तनाव व कलह शुरू हो जाए। पुलिस कोर्ट कचहरी संपत्ति का यदि कोई मामला चल रहा है या पिछले दिनों आपको किन्हीं झूठे आरोपों में फंसाया गया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फैसला आपके पक्ष में आ सकता है और आपको बाइज्जत बरी होने का मौका मिल सकता है या फिर प्रॉपर्टी इत्यादि में फैसला आपके हक में आ सकता है। आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, आप वीर्यवान होंगे, धैर्यवान होंगे। इस समय को यदि आप अत्यधिक लाभदायक बनाना चाहते हैं और अपनी सफलता को और बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करें, यानी इस समय में धर्म कर्म करने से आपको लाभ होगा और किसी जरूरतमंद का भला करने से आपका व्यापार 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप न्यायप्रिय होंगे, किसी का भी अहित नहीं करेंगे। अपने दिमाग को सकारात्मक रखें। सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए अशुभ कम लेकिन शुभ परिणाम बहुत लेकर आ रहा है। मौसम का बदलाव है, अपनी पुरानी बीमारी जो दर्द से जुड़ी हुई हो, नसों की से जुड़ी हुई हो, हड्डियों की पीड़ा हो तो कुछ बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। यकीन मानिए नौकरी व्यापार शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाना चाहते हैं तो प्रयास अधिक करने होंगे लेकिन किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, आप निराश नहीं होंगे। सूर्य का यह राशि परिवर्तन शुभ परिणाम ला रहा है कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें। हरिओम, नमस्कार।